अयोध्या सिविल लाइन स्थित गांधी पार्क में आज ठग कंपनीज एवं मल्टी टेस्टेड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के खिलाफ एक्ट 2019 एवं उत्तर प्रदेश के वित्तीय अधिष्ठानों में निवेशकों के हित संरक्षण अधिनियम 2016 VIT एक्ट के तहत धोखाधड़ी एवं ठगी की FIR दर्ज कराने एवं गड्स एक्ट 2019 राज्य के PID स्कट के तहत ठगी पीड़ितों के भुगतान के दावों को मंजूर कराने के लिए सत्याग्रह माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। हजारों ठग कंपनीज रूप सोसाइटीज के शिकार बने लाखों भारतीय नागरिकों ने आत्महत्या के कगार पर हैं। लगभग 20 करोड़ परिवारों को बारी बारी से योजना बनाकर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया है और राज्य एवं केंद्रीय अधिनियम का उल्लंघन करते हुए गिरोहबंद होकर जनता से लाखों करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। पुलिस द्वारा मुकदमे न लिखने के कारण जमाकर्ता अपने भुगतान के दावे बर्ड्स एक्ट 2019 एवं राज्य के वित्तीय अधिधानों में जमाकर्ता हित संरक्षण 2016 के नहीं कर पा रहे हैं। इस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और देश भर में बर्ड्स एक्ट 2019 व राज्य के PID एक्ट व अन्य कानूनों की अनुपालना सुनिश्चित करवाने हेतु उसी पीड़ित जमाकर्ता परिवार गत 25 अगस्त 2022 राष्ट्रव्यापी भारत यात्रा मिशन भुगतान के तहत आयोजित कर रहा है। कि हमारा जो है मिशन है, मिशन भुगतान भारत यात्रा सत्याग्रह के तहत जो है ठगी पीड़ित जमाकर्ता तब जब संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हैं और ये हमारी 25 अगस्त 2022 से मिशन भुगतान भारत यात्रा की शुरुआत हुई थी पावन पवित्र भूमि उत्तराखंड से। उसी कड़ी में आज जो है अयोध्या मंडल में आए हुए हैं और जो ज्ञापन देना है मंडला आयुक्त को, क्योंकि कारण हमारे एक सेंटर का कानून है जिसे बोलते हैं बर्ड्स एक्ट यानी द बाइंडिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम एक्ट 2019, जो कि यह सेंटर का कानून है। और इस कानून में ऐसा प्रावधान है कि हमारे देखा जाए ठग कंपनी ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा लगभग 20 करोड़ लोगों को जो है ठग लिया गया है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।